हम लोग और आगे आ चुके हैं, यहाँ से और अच्छा व्यू आ रहा है, बट और आगे जाके इट्स सेड दैट वहाँ से और भी सबसे बेस्ट व्यू आता है। हम सी पाथ पे हैं, कुछ लोग ना उस तरफ से गए तो सिर्फ वॉल्केनो का बैक साइड दिखता है, दैट इज़ बी पाथ। हम इधर सी पाथ पे हैं लॉन्ग वाले, और चलाना है ड्रोन। मैं अभी बात कर रही थी दो लोगों से जिन्होंने ड्रोन चलाया, उनके पास छोटा ड्रोन था तो बट उनका ऐसा शेकी हो रहा था एंड दे वर नॉट रियली की श्योर कि उनको चलाना चाहिए, तो उन्होंने हटा दिया। हमारे पास ना जूम लेंस नहीं है तो जूम वाला पिक्चर नहीं आएगा। जो हमारे साथ दोस्त आया था कुलदीप, उसके पास था, है, बट वो अभी थोड़ा पीछे रह गए हैं, तो होपफुली अगर वो यहाँ तक आएंगे तब फिर विल गेट सम गुड पिक्चर्स एंड वीडियोस, बट विल ट्राई स्टिल, फिंगर्स क्रॉस कि हम हमारा ड्रोन ट्राई तो करेंगे अगर फ्लाई करना, लेट्स सी हाउ इट गोस। बहुत सारे उस रूट पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से वॉल्केनो दिखना शुरू हो जाता है, और लोग उससे पूछ रहे थे हम जब आ रहे थे कि और आगे अच्छा है क्या, तो लोग बोलते थे ना यहीं से देख लो अच्छा है, बट हमारी बात मानिए आप और आगे आगे आते जाइए, क्योंकि जैसे जैसे आगे आते जा रहे हैं ना वैसे वैसे व्यू और भी अमेजिंग होता जा रहा है। और शायद अभी हम सबसे ऑलमोस्ट एंड पॉइंट पर पहुँचने वाले ऐसा लग रहा है, और फिर वहाँ खड़े होके फिर व्यू देखेंगे आराम से बैठ के। This is it, guys. And it looks amazing from here. We'll show you. बहुत लंबा hike हो गया, थक गए, मगर ये जो view आ रहा है जो आपको अभी दिखाएंगे उसको देख के पूरी energy वापस आ गई है। बहुत सारे fun parts थे, but we finally made it and here it is for you guys. इधर हो रहा है वॉल्केनो इरप्ट और इधर खा रहे हैं हम लोग एज यूजुअल हमारे थेपले, और बुरे हमारे फ्रेंड्स दे ऑल्सो मेड इट टू द टॉप। और कैसा लग रहा है वॉल्केनो देख के? हैप्पी? बहुत अच्छा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। डिफिकल्ट था सिया के साथ चढ़ना, बट मैनेज इट, हैट्स ऑफ, ओके, हैशटैग रिस्पेक्ट। बहुत डिफिकल्ट था, बट इसका मतलब है किट के साथ यहाँ आया जा सकता है, डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। मेरा ड्रोन रेडी है फ्लाई करने के लिए मेघा, मगर वेदर शिटी है। ये देखिए ऐसा हो गया है वेदर, इसको देख के इटली की याद आ रहा है, इटली में भी ऐसे ही हो गया था और हम ड्रोन नहीं फ्लाई कर पाए थे। सेम इज हैपनिंग हियर एज वेल। देख तो हमने लिया, और तो उसके पीछे की तरफ ही देखिए, यहाँ कहीं अभी भी हो रहा है, वो काफ़ी तेज़ हो रहा है, मगर ड्रोन फ्लाई नहीं हो सकता इन कंडीशंस में, कुछ भी नहीं दिखेगा। और होपफुली शॉट्स ठीक ठाक आएगा, क्योंकि बहुत जूम चाहिए था, क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर दूर है उसका क्रेटर वॉल्केनो का, बट
वी ट्राइड। वैसे तो एक यहाँ पर एक कहावत है आइसलैंड में कि यहाँ वेदर हर 5 मिनट में चेंज हो जाता है, मगर अभी मेरे को चांस लग नहीं रहे हैं कि इस 5 मिनट में या अगले आधे घंटे में भी ये वेदर क्लियर होगा। तो अभी हम लोग थोड़ा और वेट करते हैं। अराउंड 5:30 हो गया है इवनिंग का और कम से कम लगेंगे 1.5 आवर नीचे कार पार्किंग तक पहुँचने के लिए। नहीं 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 नहीं, 1.5 आवर ना ये लोग बोल रहे हैं, बट 1.5 आवर से ज़्यादा लगते हैं। हमें यहाँ पहुँचने में एटलीस्ट 2.5 आवर लगे जहाँ पे हम हैं, विच इज़ आई थिंक द फाइनल डेस्टिनेशन। बट ना लोग और आगे भी जा रहे हैं। सनसेट होता है अराउंड 9 o'clock अभी, तो सनलाइट तो रहेगी, उसकी टेंशन नहीं है। अगर बारिश हो गई तो जरूर तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो फोरकास्ट है बारिश का, क्योंकि आइसलैंड है, कुछ भी चेंज हो सकता है। बट वी आर वेटिंग स्टिल कि शायद ये बादल छट जाए और हम एक बार और देख सकें, एंड देन वी गो, क्योंकि ये लाइफ टाइम का ही एक बार का एक्सपीरियंस है। मुश्किल है पता नहीं, वैसे तो हमारी से हां वैसे इंपॉसिबल है, मतलब मुश्किल है, यहां नहीं तो कहीं और एक्टिव वोल्केनो में। या और थोड़ा ऊपर करो, दिस इज ऑन द लाइव कैमरा, लाइव। नो नो नो, शो इसमें नहीं है, नॉट दिस, दिस इज 1 मिनट लेट, सो इट विल कम आफ्टर 1 मिनट। आने वाला होगा, बना बना बहुत ही अच्छे से हमने वोल्केनो देख लिया, क्योंकि उसके बाद ऑलमोस्ट 1 आवर से वेट कर रहे हैं। 1 आवर से हो गया वेट करते करते, थेपने खा लिए, सब कुछ कर लिया, बट ये फॉग नहीं जा रहा है। सो नाउ वी आर हेडिंग बैक अपने पार्किंग की तरफ, और ड्रोन भी नहीं चला पाए हैं, बट हमने हमारी आंखों से बारिश से देखा है, और हमारे मोबाइल से भी काफ़ी कुछ कैप्चर करने की कोशिश करी है, और जो हमारा फ्रेंड है कुलदीप, उसने भी अपने कैमरे से कैप्चर करने का कोशिश किया। सो वो सारे शॉट्स तो हम लगा ही देंगे। वी होप कि आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छे से दिख गया हो इस वीडियो में, और ये हमारा डे 1 है आज आइसलैंड में। नेक्स्ट टाइम अगर इरप्ट हो रहा होगा तो चांसेस तो कम ही है कि हम लोग यहाँ वापस आएँ, बट हाँ मेरा मन है अभी भी कि एक चांस मुझे मिले और मैं यहाँ के ड्रोन फ्लाई कर पाऊँ। सो लेट्स सी, अगर ऐसा हो पाएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। बट अब चलते हैं ऑल द वे डाउन और आपको वापस से फॉग दिखाते हैं, कितना ज्यादा फॉगी और क्लाउडी हो रहा है। लाइक सी दिस, यहाँ था वोल्केनो, इधर इधर दिख रहा है, कुछ वापस हो गया इटली वाला सीन, जैसे इटली में था। बारिश होने लगी है और आप देखिए कितना अचानक से इसके ऊपर पूरा धुआं आने लगा है। इसका मतलब था कि ये कितना गर्म था अंदर से, क्योंकि धुआं कितना तेज़ हो गया है सब तरफ, यू कैन सी इट। जा रहे हैं अब इस साइट को छोड़ के, बिल्कुल लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, कभी भी नहीं सोचा था ऐसे वोल्केनो देखेंगे और ऐसा लावा रखा हुआ, मतलब लावा रखा हुआ नहीं, लावा ऐसे देखेंगे।
अभी भी लोग जा रहे हैं इवनिंग में भी और शायद नाइट में भी, क्योंकि शो ऑन रहेगा, मतलब वोल्केनो का शो ऑन रहेगा, बट आई डोंट नो कैसे देखेंगे क्योंकि इतना क्लाउडी हो रहा है, बट वी गॉट बेस्ट ऑफ द व्यू एंड आई एम सुपर सुपर हैप्पी. अब जाते हैं वापस पार्किंग की तरफ क्योंकि दोस्त ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, सो हम लोग स्पीड अप करते हैं एंड रिटर्न बैक टू आवर अपार्टमेंट. जैसा हमने प्रॉमिस किया था हमारे फर्स्ट वीडियो में, हम आपको ये भी बताएंगे कि इस आइसलैंड ट्रिप में अगर आपके पास रेंटल कार नहीं है तो भी आप कैसे इन सब ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस पर जा सकते हैं. सो आप वॉल्केनो पर कैसे आ सकते हैं? ये इरप्शन मार्च 2021 से हो रहा है एंड बीच बीच में कुछ प्राइवेट कंपनीज रेकियाविक से बस सर्विस चलाती हैं टिल पार्किंग, बट जब हम गए थे तब कोई बस सर्विस नहीं थी. बट अगर आपको जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही, तो फिर आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर दी है कि वो बस सर्विस चल रही है कि नहीं. अगर नहीं चल रही है, इन दैट केस आपको गाइडेड टूर करना होगा. इन गाइडेड टूर्स में कंपनी आपको सिटी से पिकअप पॉइंट से पिकअप कर लेगी एंड देन विद गाइड आप वोल्केनो का पूरा हाइक कर सकते हैं. गूगल पे आपको बहुत सारे टूर कंपनीज के ऑफर मिल जाएंगे. लेट अस शो यू वन एग्जांपल हियर एंड आप किसी भी कंपनी से बुक करें तो उसके सब रूल्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्पेशली टूर में क्या क्या इंक्लूडेड है एंड क्या नहीं. सो विद दीज टूर्स आप बिना कार के भी ये वॉल्केनो हाइक कर सकते हैं. ऐसे ही नाइट टूर्स भी होते हैं. अगर आपको और भी अमेजिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आप हेलीकॉप्टर टूर भी कर सकते हैं. वो आपको अप्रोक्सीमेटली 450 यूरोस का पड़ेगा. हम लोग वॉल्केनो के हाइक प्लान करने के लिए लास्ट कई दिनों से उसके बारे में स्टडी कर रहे थे. हमने कुछ फेसबुक ग्रुप्स भी ज्वाइन किए थे जहाँ से हमको मालूम पड़ा कि बेस्ट रूट क्या होगा, वहाँ से कैसा व्यू आ रहा है, लावा फ्लो कहाँ से दिखेगा एंड वॉल्केनो के क्रेटर का बेस्ट व्यू कहाँ से आएगा. वो सब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस ग्रुप से मिल रही थी. ऐसे ही हम YouTube पर लाइव वॉल्केनो फीड के वीडियोस को भी फॉलो कर रहे थे एंड सेस्मोग्राफ रीड कर रहे थे ताकि पैटर्न समझ सकें और सही टाइम पर वॉल्केनो की हाइक स्टार्ट कर सकें. ये सारी इम्पॉर्टेंट लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी. अब बताते हैं आज के दिन का खर्चा. तो सबसे पहले बात करते हैं अकोमोडेशन की. तो वन नाइट की अकोमोडेशन फॉर अ कपल 120 यूरोस. फूड, क्योंकि हम लोग सब कुछ घर से ही लाए थे तो हमने फूड पे कुछ भी एक्सपेंस नहीं किया है. साइट सीइंग, वॉल्केनो पे जाने का कुछ भी साइट सीइंग का टिकट नहीं है तो इट्स फ्री, तो इसलिए कॉस्ट है ज़ीरो. बस कार पार्किंग लगेगी एंड दैट इज़ फॉर 7 यूरोस. तो टोटल एक्सपेंस है डे टू का 127 यूरोस, या रुपीस में अगर बात करें तो 11,100 रुपीस. आइसलैंड इज ट्रूली लैंड ऑफ फायर एंड आइस. आज दिखाइए आपको फायर, कुछ दिनों में दिखाएंगे आइस भी. ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा. लाइक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी से हमें मोटिवेशन भी मिलता है. और कमेंट में ये तो बताइएगा ही ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप आइसलैंड का ट्रिप प्लान करेंगे. आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम और फेसबुक का हैंडल दोनों लिख दिया है. और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा. सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.